Oh shit. I hate doing this to myself. A quick transition. This looks a little bit better. Well guys, Mumbai में दो चीज actually वापस आ गया है. एक है गर्मी और दूसरा है लॉकडाउन 2.0. गर्मी है उसका सोल्यूशन है कि मैं मेरा पंखा बंद नहीं करूँगा. अगर साउंड डिस्टर्बेंस है तो प्लीज़ झेल लो. लॉकडाउन का कुछ सोल्यूशन नहीं है, चुपचाप अपने घर बैठो और कुछ मत करो. वेल, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने कैमरा वापस उठाया. लॉकडाउन होने के पहले भी मैंने कैमरा वापस उठाया था. मैंने बहुत सारा कंटेंट शूट किया बट मैं इतना आलसी हो गया कि मैंने कभी वो एडिट ही नहीं किया. तो मैं आज के व्लॉग में आई थिंक हाफ ऑफ द चीज़ें कवर कर लूँगा. ठीक है, लेट्स गो. वेल, लॉकडाउन शुरू होने के पहले हम लोग एक VFX प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसके ऊपर मैंने बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए अमितेश के साथ. और हम लोग ने वो आइडिया कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी सोच लिया था. वेल, अनफॉर्चुनेटली मैं वो आइडिया आपको नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग ने अब भी के लिए उसको स्क्रैच कर दिया है एंड वी हैव केप्ट इट असाइड. बट आई हैव सम बिहाइंड द सीन्स फुटेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर शूट विच आर हिलेरियस एंड आई थिंक आई शुड शेयर इट विद यू. तो अभी मैं एक मिनट या दो मिनट के लिए वो फुटेज शेयर करने वाला हूँ. गो चेक इट आउट एंड हैव फन. हाँ तो स्माइल कर, पासपोर्ट साइज फोटो. तो हम लोग लास्ट आधे घंटे से ये सेटअप ट्राई कर रहे थे. ये चौथा लाइट है हम लोग लगाया. सो अनमोल, हाँ क्रेडिट अनमोल तावड़े बॉय. ओ सॉरी, लाइट बॉय. सो अभी तो पेट्रियन पेज पे आता पैसा ही पैसा. अरे मग हे दिसणार देवाचं भाई, आपण भूताचा बनवतोय ना. काय ना, मी एवढं केलेलं ते मॅनेज. तू बीटेस नाही घेतले ना, तुला बीटेसची गाणी ऐकून. वेल, सो हमने अमितेश की बात को इतना सीरियसली ले लिया था कि वो भूल गया हम लोग एक्चुअल में भी इसको शूट कर रहे हैं. और फिर ये हुआ. लेजर स्वॉर्ड बना सकता है? नहीं, वो देखा ही होगा तुम लोग ने, पब्लिक प्लेस में जब शूटिंग होता है तब अंकल लोग कैसे उनका कैमरा लेके खड़े होते हैं, बस यही जानने के लिए कि आज कौन सा एक्टर आया है. वैसे ही सो हमने हमारी मेहनत पे पानी डाल दिया. तावड़े लुकिंग एट हिज ओन क्रिंज. ओके, दैट वॉज इट फॉर द बिहाइंड द सीन्स. बट एक्चुअली मैंने एक पूरा व्लॉग सोचा था जहाँ पर मैं मेरे इंस्टीट्यूट में क्या करता हूँ मैं सब चीज़ बताने वाला था. बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जिस दिन मैं शूट कर रहा था उसके अगले दिन ही वापस लॉकडाउन लग गया और इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा था. तो आई हैव सम फुटेजेस, लेट्स रोल अ मॉन्टाज. क्योंकि ये व्लॉग में मुझे तो नहीं पता था कि मैंने मॉन्टाज रोल किया है नहीं किया. लेट्स रोल अ मॉन्टाज ऑफ वॉट आई डू इन माई इंस्टीट्यूट. वेल, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गियर केज वॉज इंट्रोड्यूस टू मी ऑन यूट्यूब. मैं एक यूट्यूबर को बहुत फॉलो करता था नेम पीटर और उसके वीडियोज एक्चुअली इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज ऑन यूट्यूब एज अ फिल्म मेकर. और अगर तुम लोग उसके वीडियोज में देखोगे, ही हैज पोस्टेड अ वीडियो जिसमें उसने उसके गियर केज कैसे उसने धीरे धीरे ग्रो करके उसने एक्चुअल में एक केज बनाया है उसके सारे गियर्स रखने के लिए. दैट वीडियो रियली फैसिनेटेड मी एंड आई वॉज लाइक कि आई नीड माई ओन गियर केज. सो आई गॉट माई सेल्फ अ गियर केज. इट्स नॉट बिग, इट्स नॉट अ लॉट, छोटा सा है, अच्छा है. बट आई रियली एडमायर दिस पर्टिकुलर. और वो केज नहीं, इट्स अ कबर्ड बेसिकली. बट अकॉर्डिंग टू द फिल्म मेकर्स वी कॉल इट अ केज बिकॉज वी कीप अ गियर सेफली इन देयर. सो लेट मी शो यू माई गियर केज. Thank you.
एज यू कैन सी बिहाइंड मी दिस इज माई पर्टिकुलर गियर केज. तीन सेक्शंस है, सिंपल सॉर्टेड इजी, फटाक से लो बैग में डालो और निकल जाओ. सो लेट मी एक्सप्लेन यू ईच लेयर का क्या मतलब है और वो ऐसे अरेंज में क्यों रखा है. सो द टॉप सेक्शन ओवर हियर इज माय पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स एंड माय कैमरा सेक्शन, जहाँ पे मैं मेरे डेली यूज होने वाली चीज़ें रखता हूँ, जैसे मेरे कैमरा, मेरे लेंसेज, मेरा कार्ड केस एंड माय सम ट्राइपॉड छोटे मोटे, वो सब वहाँ पे रहता है. एंड इवन सम प्रॉप्स जस्ट लाइक दिस निकॉन कैमरा, इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस कैमरा वॉज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड टू डू अ फोटोशूट, जिसका अभी तक मैंने किया नहीं है. मैं बहुत जल्दी इसका फोटोशूट करके मैंने इंस्टाग्राम पर डालने वाला हूँ. सो मेक श्योर यू चेक मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम, बहुत क्रेजी स्टफ इंस्टाग्राम पर आ रहा है. उसके बाद आता है हमारा सेकेंड सेक्शन. द सेकेंड सेक्शन इज सिंपल, यहाँ पर मैं मेरा गोडॉक्स SL60W का लाइट रखता हूँ, बिकॉज दैट लाइट इज एक्चुअली एक्सपेंसिव और मुझे उसको सेफ रखना है, तो इसलिए वो बॉक्स में रहता है. जब भी यूज़ होता है, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसी चीज़ के लिए निकालता हूँ. उसका जो सॉफ्ट बॉक्स है मैं कहीं और रख देता हूँ, क्योंकि ये कपड़ में वो चीज़ फिट नहीं होगा. फिर उसके बाद यहाँ पे अगर तुम लोग देख सकते हो, ये एक्चुअली मेरे गोडॉक्स SL60W का ही बॉक्स है जिसमें वो आया था, बट आई एम री यूजिंग इट एज टू कीप माई ऑल माई इक्विपमेंट्स और फिर मेरे अटैचमेंट, जैसे मेरे चेस्ट वैप है, फिर उसके स्क्रूज है, फिर बाइक माउंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, वो सब रखने के लिए मैं ये बॉक्स यूज़ करता हूँ. ये बॉक्स बहुत हेल्पफुल है. मैं निकालता हूँ सीधा वो, उसमें से जो चाहिए वो लेता हूँ, बंद करता हूँ, वापस अंदर ढकल देता हूँ. और फिर आता है मेरा लास्ट सेक्शन विच इज़ दिस. ये सेक्शन में मैंने ज़्यादा चीज़ें रखी नहीं है. बेसिकली देयर आर सम बुक्स दैट आई लाइक टू रीड. उसके बाद आई हैव माय कीबोर्ड ओवर हियर, सम लाइट का चीज़ें, थोड़े बॉक्सेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये साइड पे मेरा एक कैमरा बैग है छोटा, जो रन एंड गो के लिए रहता है, जो मेरे को मेरा एक कैमरा लेके जाना है. और मेरे कुछ नोट्स है, लाइक जब भी मैं कुछ भूल जाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है, तो मैं वो नोट्स निकाल के फटाक से रिफर कर सकता हूँ. एंड गाइज, दैट इज़ अ व्लॉग. आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. इफ़ यू ऑल एंजॉय, मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक. बट वीडियोज़ बहुत कम आ रहा है, उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है. जितना मैं आराम से कामली खुद का टाइम लेके वीडियोज़ बनाता हूँ, आई मेक अ रियली गुड कंटेंट अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर मैं घाई करूँगा, मैं फटाफट करने जाऊँगा, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो कंटेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते, जो मेरे को नहीं चाहिए. तो प्लीज़ बेयर विथ मी. मैं तीन तीन हफ्ते या दो दो हफ्ते में एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, अगर कंटेंट कुछ मिला तो. लॉकडाउन भी चल रहा है, तो इसलिए बाहर भी नहीं जा सकते, दोस्तों से भी नहीं मिल सकते, इसलिए यू गेट व्हाट आई वांट टू से. मैं ट्रैवल भी नहीं कर रहा हूँ पॉइंट पे. तो टिल देन से हैप्पी, स्टे स्माइलिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस एंड स्टे सेफ.